बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आमिर खान की नई मूवी लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस फिल्म को नहीं देखने के लिए अपील कर रहे हैं। सोशल यूजर्स के पोस्ट के मुताबिक आमिर खान को हिंदू और देश विरोधी बताया जा रहा है। आखिर यूजर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान वैसे तो विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन 2015 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. जिसके बाद कई मौकों पर आमिर खान को यह सफाई देनी पड़ी थी कि हमारे बयान का मतलब गलत निकाला गया है। हालांकि इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर आमिर खान को देश विरोधी लिखकर ट्रोल किया गया। ये आग शांत हुई ही थी तभी आमिर ने एक सोशल मीडिया पर तुर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ फोटो शेयर कर दिया, जिसके बाद से भारत में काफी आमिर खान की आलोचना हुई। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि तुर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ फोटो शेयर करने के कारण उनकी आलोचना क्यों हुई। आपको बता दें कि तुर्की एक इस्लामिक देश है। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बयान देते आया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर बयानबाजी की है, साथ ही साथ पाकिस्तान का समर्थन करते आया है। जाहिर सी बात है कि जो देश भारत के खिलाफ बयान दे रहा है उस देश के प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ आप मिल रहे हैं, ऐसे में भारत के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आएगा। वहीं पीके मूवी में कई सीन ऐसे थे जिनसे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचा। आमिर खान के ऊपर लव जिहाद का भी आरोप सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि एक हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया, ये एक लव जिहाद ही है। आपको बता दें कि आमिर खान किरण राव से अब तलाक ले चुके हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। आमिर खान के विवादित बयान के बाद उनकी अगली फिल्म दंगल 2016 में रिलीज हुई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया। अब यह सवाल है कि ट्रोल करने के बाद भी यह फिल्म क्यों हिट रही। इसका जवाब सिंपल है, दंगल मूवी की कहानी में दम थी और जिस तरीके से फिल्म को बनाया गया था दर्शकों ने उसे काफी पसंद किया। इस मूवी ने पहले ही दिन 29 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार मूवी हिट रही, जबकि 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर की मूवी आई थी जो पूरी तरह से पिट गई थी। यानी यह स्पष्ट है कि अगर मूवी अच्छी हो तो ट्रोल के बाद भी चलेगी, जिस तरह से दंगल मूवी दर्शकों की नजरों में हिट बनी रही। एक मीडिया इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया कि इस तरह ट्रोल काफी निराशाजनक होते हैं, जैसा लोग महसूस करते हैं वो सब झूठ है। मेरी सभी लोगों से आग्रह है कि मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें और फिल्म देखने जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।